आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जो लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि हम लोग 2500 रुपये क्विंटल का धान खरीद रहे हैं, जिससे भारत सरकार ने कहा आपका चावल नहीं खरीद। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मेहनत का किसान है, जो धान उत्पादन करते हैं, उसका ये अपमान है। क्योंकि ये जो चावल नहीं खरीदेंगे, जो जैसे वर्षों से खरीदते आ रहे हैं, उसमें यदि प्रतिबंध लगाएंगे तो ये किसानों के साथ अन्याय है। किसानों के अनाज का अपमान है, क्योंकि वो अनाज यहाँ खुले में पड़ा रहेगा। क्योंकि इतना बड़े गोडाउन तो है, इतनी बड़ी सिस्टम इंसान तो बन नहीं सकता। और भारत सरकार हमेशा खरीदती रही है, ये पहली बार तो है नहीं। इस मामले में तय ये हुआ था कि हमने प्रधानमंत्री को लिखा था, खाद्य मंत्री के साथ बैठक की थी और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लगातार हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क में थे और राष्ट्रपति भवन में भी संपर्क में थे। आज ही प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आया। इस मामले में उन्होंने कहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश से बाहर है, इसलिए किसी मंत्री के साथ बैठक हो। फिर हमने सूचना भेजी है कि क्योंकि ये आदेश खाद्य विभाग का है, इसलिए खाद्य मंत्री का भी होना जरूरी है। खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री दोनों बैठे फैसला कराने में आसान है। इसी बीच अभी राष्ट्रपति भवन से भी सूचना मिली है, कल शाम को 5 बजे का समय मिलने का दिया है, जिसमें हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जाके प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति महोदय को इसके बारे में धान उपार्जन के मामले में उसको जानकारी देंगे। और इसलिए जब राष्ट्रपति जी और कृषि मंत्री जी संभवतः खाद्य मंत्री से भी कल मुलाकात होगी, तो उस मीटिंग के बाद ही आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। जो बहुत महत्वपूर्ण सूचना जिसको मैंने आप सबसे शेयर किया, और मुझे पूरी उम्मीद है भारत सरकार जो हमेशा जो हम छत्तीसगढ़ के जो चावल खरीदती रही है, जो व्यवस्था चली आ रही है, उस व्यवस्था को कायम रखेंगे। पिछले 2 साल से जो हमने अभी दी थी, 30 साल की अनुमति मिलेगी हमें, और उस हिसाब से फिर किसानों को हम लोग जो अंतर की राशि है 1815 और 2500 और 685 रुपये अंतर की राशि भी हम लोग देने में समर्थ होंगे। एक बात मुझे कहनी थी और उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष अदरणीय महामहिम गांधी से अनुरोध करूंगा कि वह आपस में चर्चा कराए। पत्रकार वार्ता में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब, आदरणीय मंत्रीद्वय मोहम्मद अकबर साहब, आदरणीय डॉक्टर शिव राय साहब, आदरणीय शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, आदरणीय रामगोपाल अग्रवाल जी, आदरणीय किरणमयी नायक जी, आज प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित होकर हम सबका उत्साहवर्धन और महत्वपूर्ण सुझाव हमको दिए हैं। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, सरकार ने निर्णय लिया है समय पे नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, इसीलिए संगठन स्तर पर हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। वार्ड कमेटी, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी अलग अलग स्तर पे हम लोग बनाएंगे और प्रत्याशी चयन का मापदंड पिछली बार 2014 में जो माननीय भूपेश बघेल साहब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय जो कमेटियों के माध्यम से जो नाम आए
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मीडिया में चर्चा कर ये बताया कि किस तरीके से धान खरीदी को लेकर उनकी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र भी भेजा है।